उज्जैन जिले के दराना में शातिर चोरों के हौसले बुलंद है। उतारा चौराहा स्थित हनुमान मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है, जहां शातिर चोर दान पेटी से रुपए उड़ाकर ले गए। वहीं मंदिर से हुई इस चोरी घटना और बीते दिनों प्रतिमा से छेड़छाड़ के मामले में हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा है। हिंदू संगठन के लोगों ने मामले में शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। सुखपुर बाबा नगर में चोरी हो रही है, आप किस प्रकार प्रशासन को बताना चाहेंगे, मंदिरों की सुरक्षा करेंगे? यार प्रशासन कमी पड़ रही है यार, मंदिर में रोड लगाना चाहिए उनको, हर मंदिर में जाना चाहिए और जहाँ जहाँ में हरण बजे तो वो जाना चाहिए, मंदिर को चेक करना चाहिए। आए दिन भी यहाँ पुलिस जवान रह भी रहते हैं, यहाँ गुटी भी लगी रहती है। तुल्या भवन भी एक बार चोरी हुई थी, ताला टूट गया था, बिल्कुल भी ताला टूटे थे, कई जगह ताला टूटते हैं नगर के अंदर। कौन चोर सक्रिय हो रहे हैं प्रशासन को पता लगाना चाहिए। तो पुलिस प्रशासन तो बोलती है कि हमेशा गश्त कर रही नगर में, तो आपको लगता है गश्त करती होगी वो? हाँ गश्त तो कर रही है, पर ये गश्त के बाद में जाने के बाद पीछे चोर पुलिस वाले निकल जाते हैं, इसके बाद फिर काम डालते हैं, ये चोर ऐसे काम करते हैं। बढ़िया पुलिस थाना थाना की बढ़नी चाहिए और गश्त लगातार नगर में होना चाहिए। मंदिर की सुरक्षा के लिए आप प्रशासन को आवेदन देंगे, ज्ञापन देंगे सब मंदिरों के लिए क्या है? सभी तराना मंदिर के लिए अपन सब मिलके कलेक्टर साहब से मिलेंगे। ये तराना की व्यवस्था के लिए कई बार त्रिकेश्वर में डाका डाला था, बंदूक ले गए, गल्ला ले गए, दौड़ के दुष्कर्म हुआ था, कई जगह डाका पहले समय चलते आ रहे हैं। बोया नई बात नहीं है, त्रिकेश्वर में मेरे मंदिर में वही भाई बोलना चाहिए, भाई डाका डाला यह लेगा और शोर आ गया, भैंस गाय बेल सब ले गए, ये भी हो रहे हैं। सर किस मंदिर में चोरी हुई है? ये उतारा हनुमान चौराहे पे है, बजरंग गणेश हनुमान मंदिर। यहाँ पर अभी सुबह सुबह के करीब ताले टूटने की खबर मालूम पड़ी और देखा तो ताले टूटे हुए थे, गल्ले में 5-7 हज़ार रुपये की चिल्लर थी जो चोर द्वारा ले गई गई। सर इसके पहले भी क्या घटना हुई है किसी प्रकार की? पहले भी हुई थी एक बार काफ़ी समय पहले, इसकी भी कोई जानकारी नहीं लगी अभी तक, और अभी फिर ये दूसरी घटना हुई है, पेटी तोड़ के ने पैसा ले जाया गया ताला तोड़ के। क्या इस मामले में आपने पुलिस प्रशासन को अवगत कराया अभी तक? इनको पुलिस प्रशासन को? हाँ पुलिस प्रशासन आए थे, डीआई साहब आए थे, उन्होंने पंचनामा बनाया, एक दो लोगों को संदेह के उसमें